नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए दिन सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आते हैं, किसी न किसी मुद्दे पर सीएम को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जो जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या वाकई मांझी को नीतीश के सेहत की चिंता होने लगी है। आपका सवाल होगा कि ऐसा क्या लिखा, तो आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल कुछ दिनों से नीतीश कुमार लोगों से मिलते या जनसभा करते नजर नहीं आ रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो सीएम नीतीश कुमार का पब्लिक अपीयरेंस घट गया है। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। जीडीयू की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, लेकिन जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा कि पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनीतिक साजिश चल रही है। नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि उनकी स्थिति कैसी है। इसके बाद इस पोस्ट को रीशेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी केवल एक गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जीतन राम मांझी जी का चिंता जायज है और इसकी हमें भी चिंता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। बता दें कि बीजेपी की तरफ से ये मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है। हाल ही में ये भी खबर आई कि वो सर्दी और खांसी से परेशान है। आपको बता दें कि तबीयत खराब का हवाला देते हुए सीएम नीतीश कुमार के राजगीर महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया था। हालांकि तब ये भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सूची में राजगीर महोत्सव का नाम नहीं था, इसलिए वो नालंदा नहीं पहुंची। अब जीतन राम मांझी के इस पोस्ट के क्या मायने हैं और वो किस राजनीतिक साजिश की बात कर रहे हैं, ये तो खुद मांझी ही बता पाएंगे, पर नीतीश कुमार का इस तरह से गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ।